नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रवि गोष्ठी में पहुंचे और योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती होती है और इससे किसानों को बड़ा लाभ होता है। डबल इंजन की सरकार किसान की आमदनी को दोगुना करने का काम कर रही है और किसानों के लिए ही देश में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी नहीं आती। कोरोना काल के दौरान जब दुनिया महामारी का जो डंक है वो देख रही थी, झेल रही थी और सभी सेक्टर बंद हो चुके थे और देश की नहीं दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त भी एकमात्र खेती किसानी ऐसा सेक्टर है जहां हमारे किसानों ने कोरोना के दौरान भी उत्पादन बढ़ाया और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। अगर किसान प्राकृतिक यानी कि जैविक खेती को आगे बढ़ाएगा तो कम लागत में वे उत्पादकता को भी आगे बढ़ा सकेंगे और इसके लिए सरकार की ओर से लगातार व्यापार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और सीएम ने कहा कि रबी की फसल उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और गेहूं की फसल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है, लेकिन जरूरत है कि गेहूं के साथ अन्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा गया है और हम कृषि क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से किसानों को बहुत फायदा पहुंचा है और इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां आमदनी का शुरू से एक प्रमुख जरिया रहा है और यहां की भूमि भी सबसे ज्यादा उर्वर भूमि है और आज स्थिति यह है कि 12% हमारे पास देश में कृषि भूमि है जिसमें देश का ही 20% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश अकेले उत्पाद करता है और ऐसे में ज़रूरत है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य बने। और इसके अलावा सीएम योगी ने कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से लगाए गए कृषि स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ही महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की और बच्चों का अन्नप्राशन भी किया। अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फतेहपुर के मलवा थाना के ही अलीपुर के पास सिद्धार्थ नगर जनपद की सहायक श्रमायुक्त सोमवार सुबह को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया है। हादसे में घायल सुमन सिंह सिद्धार्थ नगर की सहायक श्रमायुक्त हैं और सोमवार को ही सुबह करीब 10 बजे ड्राइवर महेंद्र कुमार के साथ अपने निजी वाहन के प्रयागराज किसी काम से जा रही थी और जैसे ही कार हाईवे पर मौजूद मलवा थाना क्षेत्र के अलीपुर ओवरब्रिज के पास पहुंची तभी प्रयागराज की ओर से तेज रफ्तार आ रहे एक वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में वो और उनका ड्राइवर लहूलुहान होकर बेहोश हो गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है जबकि अनियंत्रित कार सवार वाहन छोड़कर भाग गए। आसपास से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सहायक श्रमायुक्त और उनके चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से हालत नाजुक देख मौजूद डॉक्टरों ने दोनों को कानपुर रेफर कर दिया है। आज जब ये दोनों लोग हमारे पास लाए गए थे तो थोड़ा सा इनकी कंडीशन गंभीर है क्योंकि जो ड्राइवर है उनकी दाहिने पैर का जो फीमर है फ्रैक्चर है
और काफी ब्लड भी उसमें अंदर लॉस हुआ है, बाहर तो नहीं है लेकिन अंदर ब्लड लॉस काफी है। और मैडम का भी जो थाई है रोटेटेड है, इसका मतलब डिसलोकेशन में है थाई, और नीचे नी ज्वाइंट के पास फ्रैक्चर है, तो दोनों का भी एक्सरे करा है और फिलहाल के लिए अभी इतना ही कहना संभव होगा। थाना कोतवाली देहात पुलिस को वाहन चोर गिरोह के 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहारनपुर के ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि थाना कोतवाली देहात पुलिस को वाहन चोर गिरोह के 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु, ऋतिक और उज्जवल को चिलकाना रोड नहर चौक चेक पोस्ट से ही गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 11 अदद मोटरसाइकिल और कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ये एसपी महोदया के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग है इसका खुलासा किया है। 3 इसमें अभियुक्त हैं जो पकड़े गए हैं, और इन तीनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 11 बाइक और 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। इनका एक लंबा चौड़ा विस्तृत आपराधिक इतिहास है और 3 राज्यों में यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। हरदोई के अतरौली थाना इलाके में एक बार फिर जिस्म फरोशी कराए जाने पर बच्चियों को मुक्त कराने जाने का एक वीडियो जो है वह संज्ञान लेकर पुलिस ने एक युवती को मुक्त कराते हुए कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि लिखा पढ़ी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल इस आशय पर एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। अतरौली इंस्पेक्टर दीपक शुक्ला ने बताया कि रविवार शाम को एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्ची द्वारा मांग की गई थी कि उसे जबरदस्ती बंधक बनाकर रोका गया है और मारपीट कर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। और यहां तक कि वीडियो बनाने वाली महिला का कहना है कि वो शख्स मारा नहीं था और बल्कि उसी की बहन ने ही उसको मारा हुआ था। और ये कहकर प्लीज इस वीडियो से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन मासूम बच्चों को बचाया जा सके, ऐसा वायरल हुआ था। और इस तरह के वायरल वीडियो से जानकारी होने पर पुलिस ने पूरे मामले को सक्रियता से संज्ञान में लेते हुए उस गांव में सीओ हरियावा शिल्पा कुमारी के साथ छापामारी की और जहां से एक किशोरी को मुक्त कराया गया, जबकि कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस अभी कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि गाँव में पता चला था कि श्रीमती सोम, उसका पति सिटू, इसके ही गांव के प्रदीप लोहा उर्फ शिवपाल, मिंटू ओके राजन, गज्जू पिंकू और नीरू लगातार जिस्म फरोशी का धंधा कराते हैं और यही उनके जीविकोपार्जन का ही साधन है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पढ़ी कर आवश्यकता विधिक कार्रवाई की जाएगी और लगातार वहाँ पर सतर्क दृष्टि बनाई गई है। ये थाना अतरौली का मामला है। थाना अतरौली पुलिस व सीओ हरियाणा को यह सूचना मिली थी कि ग्राम नटपुरवा में एक महिला है श्रीमती सोम वाइफ ऑफ सीटू, यह तथा अन्य लोग मिलकर के गांव में बेसर्वित करवा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ छापा मारा। छापे में वहाँ पर 3 लोग, सोम, सीटू और प्रदीप, गिरफ्तार किए गए हैं तथा जो बच्ची है उसको बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराएं हैं। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं तथा जो 6 लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसमें बच्ची जो है वो लगातार गुहार लगा रही है खुद को बचाने की। जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला अतरौली थाना इलाके का है। यहाँ इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो है बच्ची को मुक्त कराया गया था और उसके बाद उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसके चलते एक वीडियो ये कल फिर वायरल हुआ है। उसमें भी जो है एक बच्ची जो है वो मुक्त करने की बात कह रही है जिसको मुक्त कराया गया। हालांकि पुलिस ने जो है लड़की बच्ची को मुक्त भी करा दिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तारी भी की है। जिनको गिरफ्तारी की उनको गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेजा जा चुका है। जी आसिफ, कितनी बच्चियां बताई जा रही हैं जो गुहार लगा रही थी, कुछ साफ हो पाया अभी तक?
नहीं, इसमें अभी तक तो दो बच्चियों का ऐसा मामला आया है जिसमें दोनों ही बच्चियों ने वीडियो भी वायरल किए थे। जी आसिफ, बच्चियों के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? परिजनों का कहना यही है कि उनकी जो बच्चियां हैं वो उनके पास भेजी जाए, क्योंकि बाहर के थे ये बच्चियां जो थी वो बाहरी थी, तो वही उनके बच्चियों को जो है उनके परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया है, बाकी गिरफ्तारी वगैरह भी हो गई है। जी आसिफ, इसके पीछे क्या गिरोह पूरा माना जाए कि इसके पीछे और भी गिरोह में लोग शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, ये अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव है नटपुरवा, वहाँ अधिकतर ऐसा ही होता है। तो वहाँ जो दूसरी जगह से बच्चों को लाया जाता है और फिर उनके साथ जिसम बरोसी का धंधा कराया जाता है, जो वीडियो वायरल हो जाते हैं। हालांकि पहले पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब जो जब ये वीडियो वायरल होना चालू है तब से पुलिस जो है कार्रवाई करने लगी है। जी आसिफ, और स्थानीय लोग काफी घबराए हुए भी नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी हाँ, अभी तक तो खैर नहीं बोलते थे स्थानीय लोग, अब जब से वीडियो वगैरह वायरल होने लगे तब से स्थानीय लोग भी जो है वो भी ठीक है, अब सही है, और उनको लगता है कि जो यहाँ पे जो ये चीजें हो रही हैं इसको खत्म किया जाए। खत्म होगा तो उनके बच्चे भी वहाँ भी, हालांकि ऐसा भी है कि पहले वहाँ शादियां नहीं होती थी, अब ये है कि जब से ये हो रहे हैं तो अब उनके बच्चों की भी शादियां वगैरह भी होने लगी हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। सहारनपुर जनपद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगी और इसके साथ ही अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी हम प्रदेश के सभी नगर निगम और इसके साथ ही नगर पालिका सीटों पर जीत हासिल करेंगे। सर्किट हाउस में भी पत्रकार प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में अनेक कार्य किए हैं, हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं और साथ सभी की बात करते हैं, जबकि विपक्षी दल नफरत की राजनीति करते हैं। तो आपको बता दें, जहां पर नफरत की राजनीति करने का बयान सामने आया है, आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने यह बयान दिया और इसके साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे ऐसा भी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी उनका कहना है कि हम प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिका सीटों पर जीत हासिल करेंगे और सर्किट हाउस में पत्रकार प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में अनेक कार्य किए हैं और हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं और सबकी बात करते हैं, जबकि विपक्षी दल नफरत की राजनीति जो है वो करते हैं। तो आपको बता दें, सहारनपुर से खबर है जहां पर भूपेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विपक्ष है वो नफरत की राजनीति कर रहा है। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को लेकर उन्होंने ये कहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे ऐसा बयान दे रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में अनेक कार्य किए हैं ऐसा भी बयान दे रहे हैं और हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं और जबकि विपक्षी दल नफरत की राजनीति करते हैं। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल हाईवे पर ट्रक लूटने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को ये सफलता हाथ लगी है। हाईवे पर ट्रक लूटने वाली गैंग के दो अंतरराजपदीय शातिर जो लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जबकि चार लुटेरे मौके से फरार भी बताए जा रहे हैं। लुटेरों के पास से ही पुलिस ने लूटा हुआ ट्रक और वारदात में प्रयुक्त कार की बरामद भी कर लिया है। फरुखाबाद से मूंगफली बेचकर ही आ रहे ट्रक चालक से लूटपाट कर बांधकर एक्सप्रेसवे के नीचे फेंक दिया था। तो जालौन से खबर है जहां पर हाईवे पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, पूरा गिरोह जो है वो लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
दरअसल आपको बता दें कि हाईवे पर ट्रक लूटने वाले दो लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जालौन पुलिस SOG और सर्विलांस टीम की ये सफलता जो है वो हाथ लगी है और हाईवे पर ट्रक लूटने वाली गैंग के दो जो शातिर लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि चार लुटेरे जो हैं वो मौके से फरार हो गए। और लुटेरों के पास से ही पुलिस ने जो सामान है ट्रक और इसके साथ ही वारदात में जो उन्होंने प्रयोग किया था कार भी बरामद किया गया है। फरूखाबाद से यह मूँगफली बेच कर आ रहे ट्रक चालक से लूटपाट कर बांध कर ही एक्सप्रेस वे के नीचे फेंक दिया गया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पीलीभीत के ही थाना वरखेका इलाके में जो वहां से खबर सामने आई है, आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीलीभीत से ये खबर सामने है जहां पर बताया जा रहा है कि पीलीभीत कोर्ट जाते समय आरोपी ने तालाब में छलांग लगाई थी और कोर्ट जाते समय आरोपी ने भागने की कोशिश की थी, जहाँ से ये खबर सामने आई है पीलीभीत से कोर्ट जाते समय आरोपी ने भागने की कोशिश की थी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जिस तरह से मामला सामने आया है, कोर्ट से जाते समय आरोपी ने भागने की कोशिश की है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बताना चाहिए पूरा मामला बिलसंडा थाना से जुड़ा हुआ है। अवैध शराब की तस्करी ये करता था आरोप होता है, इसका नाम का आरोपी था जिसने भागने का प्रयास किया है। ये बिलसंडा का निवासी है, धारा के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष करना था। पीलीभीत तो वही जो है बताया जा रहा बिलसंडा को लेकर के आ रही थी मैजिक से, वही जो है खराब में मतलब ये कूद गया, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा है और ले जाकर जो है न्यायालय के तहत पेश किया। जी प्रांजल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तालाब में आरोपी ने छलांग लगाई है, जी तालाब में आरोपी तो खूब ले जाया जा रहा था। वहाँ पर जो है ये बरखेड़ा थाना क्षेत्र में जो है एक तालाब था व्यक्ति के पास, जिसने इसमें छलांग लगा दी और ये फरार होने की कोशिश कर रहा था। तो काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसको दोबारा पकड़ा और पीडीवी ला करके उसको जो है न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया है। प्रांजल जी, आरोपी जो था किस केस में उसको कोर्ट लेके जाया जा रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? जी, आपको बता दें कि इसमें अवैध शराब की तस्करी का आरोप था। इसी आरोप में इसको धारा 60 और 272 IBG धारा के तहत इसको गिरफ्तार किया गया था। और ये बताया ये भी जा रहा है कि कपड़े की बिक्री करता था, इसके साथ में अवैध शराब की बिक्री भी करता था। इसी आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय में इसको पेश करना था, लेकिन इसने फरार होने की कोशिश करी तो कड़ी मुशक्कत के बाद इसको पुलिस ने दोबारा जो है इसको गिरफ्तार करके न्यायालय समक्ष पेश किया है। और प्रांजल, जो आसपास लोग मौजूद है, भारी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? उनका तो खास कुछ कहना नहीं है, बस इतना बताया जा रहा है कि एकदम अचानक से जो है बल्कि मैगजीन से उसने छलांग लगा दी और पुलिस को काफी इसको गिरफ्तार करने के लिए दोबारा पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जो है कई लोगों की मदद से उसको जो है स्थानीय निवासियों की जो राहगीर थे उनकी मदद से इसको जो है दोबारा पकड़ने में कामयाब उद्धव मिले। लेकिन वही बताया ये भी जा रहा है की जब इसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस कहीं ना कहीं गुस्सा गई, उस साइड पुलिस ने इसको मारा भी है और बैटों से और उसको हड़ताल
हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी का एक आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सड़क पर दिखाई पड़े आवारा गोवंशों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। आईजी के हवाले से जारी किया गया ये पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। वहीं एसपी ने कहा कि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ही संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें और गोवंशों को यशस्वी स्थान पहुंचाना जाना चाहिए और ताकि हादसे ना हो। और लेकिन इस आदेश के बाद से ही पुलिस विभाग में भी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। सर्दी के समय में मवेशियों का झुंड शाम होते ही सड़कों पर जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से सड़क हादसे अधिक होते हैं और इसी समस्या का शिकंजा कसने पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। इसी दौरान नगर पालिका की ओर से मवेशियों को गौशाला तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत करता है तो उस समस्या के लिए खाकी मदद करेगी। एसपी राजेश द्विवेदी की ओर से जनपद के सभी कोतवाली निरीक्षक और थाना अध्यक्ष निरीक्षक 112 को निर्देशित करते हुए कहा कि सर्दी के समय अक्सर मवेशी सड़क पर ही शाम के समय में आ जाते हैं और वहीं रात में घने कोहरे की शुरुआत होने वाली है, जिससे सड़क हादसे ज़्यादा होने की संभावना है। और इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कहा गया है कि नगर पालिका अपने क्षेत्र में कर्मचारियों से सड़कों पर रुकने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें गौशाला भेजा जाए। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा तो कर्मचारी पुलिस को सूचना देंगे और इससे खाकी उनका सहयोग करेगी। देखिए, शीघ्र ही जाड़े का मौसम आने वाला है। इनफैक्ट अभी भी रात में शाम से ही कोहरा होने लगा है। इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत मेरे द्वारा कई ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से ये है कि जनपद में जहां भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हों, जहां विगत कई सालों से कोहरे के कारण दुर्घटनाएँ हुई हों, उनको चिन्हित किया जाए, वहाँ पर दुर्घटना रोकने व्यवस्थाएँ किया जाए। और इसी खबर पर हरदोई से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आईजी के हवाले से जारी किया गया है पत्र सोशल मीडिया पे वो जमकर वायरल हो रहा है, पूरे पत्र पर मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये एक जो लेटर जारी किया था वो लेटर उसके बाद वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में काफी जो है पुलिस की चिरचिरी वगैरह भी हुई, जिस तरीके से लेटर में जो है जारी किया गया वो पीआरबी के लिए कि पीआरबी गौशाला गौवंशों को पकड़ के और गौवंशों में गौशालाओं में छोड़ेगी। तो ये देखने वाली बात है कि इस तरीके का ये जो लेटर आया है पुलिस, हालांकि सभी कुछ पुलिस करेगी तो फिर ये इनके लिए क्या है। जी आसिफ, इसको लेकर, इस लेटर को लेकर कोई उच्च अधिकारी का बयान अभी तक सामने आ पाया है? हालांकि एसपी ने बयान जरूर दिया है, उन्होंने गोलमोल घुमाते हुए दिया है कि वो हमने पीआरबी और प्लस नगर पालिका के अधिकारियों को समन्वय बना के उनको जो है गौवंशों को पकड़ा जाएगा और उसके बाद उनको जो है गौशालाओं में छोड़ा जाएगा। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कर्मचारियों से ही सड़कों पर रुकने वाले जो आवारा मवेशी हैं उनको पकड़कर गौशाला भेजा जाएगा, तो उनके पास कोई और काम नहीं रहेगा कि वो यही काम करेंगे अब? जी सर, जी यही मामला है कि जो लेटर वायरल हुआ था उसमें पुलिस की हालांकि काफी जो है किरकिरी देखने को मिली। उसके बाद एसपी ने जो है अपना बयान जारी किया और फिर उसमें जो है एक जो पॉइंट जो छूटा चल रहा था नगर पालिका को लेके, तो उन्होंने नगर पालिका को भी इसमें शामिल किया कि नगर पालिका के कर्मचारियों को जो है उनको समन्वय बनाएगी पुलिस और उसके बाद इस तरीके से वो करेगी, चूंकि आईजी के हवाले से लेटर जारी हुआ था। जी, तो अभी तक आईजी पर कोई बातचीत या कार्रवाई नहीं हो पाई है लेटर को लेकर? जी नहीं, अभी इस तरीके से तो हालांकि कुछ नहीं है, बाकी जो भी होगा वो। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी का एक आदेश वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सड़क पर अगर पशु दिखाई देता है, गोवंश दिखाई देते हैं तो ड्यूटी पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं गौशालाओं तक उन्हें पहुंचाएंगे। आईजी के हवाले से जारी किया गया ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
क्योंकि पुलिस कर्मियों को लेकर इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस कर्मी अब गोवंशियों को उनके घर तक, गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। इसके बाद इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। एसपी ने ये भी कह दिया है कि बड़े जो सड़क हादसे होते हैं उसको देखते हुए संबंधित विभागों से ही समन्वय स्थापित करें और इसके साथ ही गोवंशियों को ऐसा स्थान पहुँचाया जाना चाहिए कि हादसे ना हो सके। लेकिन इस हादसे के बाद से ही पुलिस विभाग में भी चर्चाओं का दौर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सर्दी के समय में मवेशियों का झुंड जो है शाम होते ही सड़कों पर जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से सड़क हादसे अधिक होते हैं। इसी समस्या पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही अभियान जो है वो चलाया जाएगा और इस दौरान नगर पालिका की ओर से मवेशियों को गौशाला तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत करता है तो उस समस्या के लिए खाकी मदद करेगी। और एसपी राजेश द्विवेदी की ओर से जनपद के ही सभी कोतवाली निरीक्षक और थाना अध्यक्ष निरीक्षक 112 को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि सर्दी के समय अक्सर मवेशी सड़क पर शाम के समय में आ जाते हैं और वहीं रात में घने कोहरे की शुरुआत होने वाली है और इसके सड़क हादसे अधिक होने की भी संभावना है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कहा गया है कि नगर पालिका अपने अपने क्षेत्र में कर्मचारियों से सड़कों पर रुकने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर उन्हें गौशाला भेजा जाए। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा तो कर्मचारी पुलिस को सूचना देंगे जिससे खाकी उनका सहयोग करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।